नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य। तो आइए शुरू करते हैं। जब ये प्रश्न आप तैयार करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें भूमिका या परिचय का एक पॉइंट बनाएंगे और उसमें आप जो नाटक से जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं वो आप उसमें विस्तार से बताएंगे। जैसे नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है और ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। यह एक स्त्री प्रधान नाटक है, यानी क्योंकि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुव स्वामिनी यानी स्त्री को आधार बनाकर इस नाटक का नामकरण किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक स्त्री प्रधान नाटक है। इसके साथ साथ ये समस्यात्मक नाटक है, इसमें समस्याएं उठाई गई है, अनेक समस्याओं का इसमें इसको शामिल किया गया है। समस्याओं को क्या है, स्त्री से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, राज्य के जो राजपद है उससे जुड़ी हुई समस्या इसमें उठाई गई है। एक अच्छा राष्ट्र नायक किसी अगर देश में ना हो, किसी राज्य में ना हो, तो उसकी क्या हालत हो सकती है या क्या स्थितियां हो सकती है, उसके बारे में समस्या का चित्रण किया गया है। यानी समस्याएं इस नाटक में संकलित है और उनका निदान ढूंढने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ऐतिहासिक नाटक है, यानी इतिहास के पात्रों को इस नाटक में स्थान दिया है, इतिहास की घटना को इस नाटक में संकलित किया है, तो ये ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है। इस नाटक में जो कथा संकलित है वो गुप्त वंश की कथा है, यानी गुप्त कुल का इसमें नायक है, इसीलिए कह सकते हैं कि गुप्त वंश की कथा संकलित है। इसके साथ साथ आप ये भी अगर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो कि गुप्त वंश और शक वंश की कथा का संकलन है। इसमें 3 अंक हैं और प्रत्येक अंक में एक दृश्य है। इसके में जो गुप्त कुल की बात हम कर रहे हैं उसमें गुप्त कुल किसका है, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त और चंद्रगुप्त से संबंधित है ये नाटक, या जो इस नाटक में कहानी संकलित की गई है, जिस मुख्य कथा को आधार बनाया गया है वो समुद्रगुप्त के 2 बेटे रामगुप्त जो कि बड़ा बेटा है, चंद्रगुप्त जो कि रामगुप्त से छोटा है, इन दोनों को आधार बनाकर इस कथा को संकलित किया है इस नाटक में। तो ये भूमिका आप बनाएंगे और इस भूमिका में जो मुख्य बातें हैं वो आप इसमें बताएंगे। इसके बाद आप जो हमारा मुख्य बिंदु है उस पर हमें आना है। हमारा मुख्य जो बिंदु है वो कौन सा है, नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नाटक के उद्देश्य की अगर बात करें, देखिए यहाँ नाटक का प्रतिपाद्य और उद्देश्य, अगर दोनों में से कोई भी शब्द लिखा हुआ आए तो उसका अर्थ एक ही है, आपको यही उत्तर देना है। तो इसमें हम सबसे पहले जो नाटककार है उनका उद्देश्य क्या है, साहसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थापना, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा हो, साहस से परिपूर्ण हो, और इसके द्वारा एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना ही नाटककार का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देखिए हमने अभी किया कि इसका रचना काल क्या है, 1933 ईस्वी, ये वो समय है जब हमारा देश संघर्ष कर रहा था आज़ादी के लिए, यानी हमारे जो परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ, वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके लिए हमें एक साहसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी आवश्यकता थी जो हमारे देश को संभाल सके, हमारे देश में चलने वाले आंदोलनों का सही से नेतृत्व कर सके, या देश को राष्ट्र जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसके मार्ग पर आगे बढ़ा सके। तो इसके माध्यम से बताना चाहते हैं, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो कथा इस नाटक में ली गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि साहसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो कि एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना कर सके। उसके बाद है नारी समस्या को उजागर करना। देखिए नारी से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं हमारे समाज में है। उस समय समाज में वैसे भी नारी का इतना मान सम्मान नहीं था, नारी को कोई आदर नहीं दिया जाता था, यानी पुरुष के समान नारी को समाज में स्थान नहीं था, नारी केवल उपभोग की वस्तु मात्र थी। तो यहाँ पर नारी की समस्या को उजागर किया है कि नारी को समाज में बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, पुरुष प्रधान समाज में नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ऐसा उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, उसे पूरा मान सम्मान मिले, और इसके साथ साथ जो उस तत्कालीन समाज में जैसे पर्दा प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, या फिर नारी के द्वारा
बिना मर्जी के शादी की जो प्रथा थी, उन प्रथाओं को, उन समस्याओं को इसमें उठाया गया है। यह नारी को जो भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, क्योंकि देखिए इसमें हमने देखा जो घटनाक्रम आया था कि जो रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। एक संधि जो ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से की गई थी उसको आधार बनाया गया था, रामगुप्त उस संधि के लिए तैयार हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसके विचारों को, उसके मनोभावों को एक कोने में रख दिया या उसको दरकार कर दिया, उन नज़रअंदाज कर दिया। तो नारी की समस्याओं को उजागर करना कि नारी के जीवन में किस प्रकार संकट है, क्या क्या समस्याएं हैं, वो भी नाटककार का मुख्य उद्देश्य है। फिर त्याग और उदारता की भावना पे बल। देखिए दोनों ही बातें चंद्रगुप्त पर लागू होती हैं। जो चंद्रगुप्त है वो त्याग और उदारता की प्रतिमूर्ति है। वो अपने राज्य का त्याग कर देता है अपने बड़ी भाई के लिए। वो अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी ध्रुव स्वामिनी का त्याग कर देता है अपने बड़ी भाई के लिए। तो ये उसकी उदारता के ही तो भाव हैं। तो इसके माध्यम से ये बताया गया है कि किस प्रकार त्याग और उदारता के भाव से परिवार में जो सामंजस्य है वो स्थापित करने पर इन्होंने बल दिया है कि परिवार में एकता बनी रहे, परिवार में जो खंडित होते परिवार है उनको एक साथ जोड़ा जा सके। इसके बाद है अनमेल विवाह की समस्या। देखिए जिनका मेल ना हो उनका विवाह कर दिया जाना, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का है। ध्रुव स्वामिनी एक संस्कारी स्त्री है और एक साहसी स्त्री है, जबकि रामगुप्त कैसा है, कायर है, इसके साथ साथ विलास प्रिय है। तो इस तरह देखिए जो रामगुप्त है उसमें अनेक ऐसी बुराइयां हैं उसके चरित्र में कि वो ना तो एक अच्छा राजा बन पाया, ना अच्छा पति बन पाया, ना ही एक अच्छा पुरुष बन पाया। तो ऐसे व्यक्ति से जब ध्रुव स्वामिनी का विवाह किया गया तो वो विवाह मेल नहीं खाता, दोनों चरित्रों के मेल का विवाह नहीं है। तो यहाँ पर ये समस्या उठाई गई है कि अनमेल विवाह हमारे समाज में जो हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे दो व्यक्ति ही नहीं बल्कि दो परिवारों का भी जीवन खराब हो जाता है। यानी ऐसे अनमेल विवाह की समस्या इस नाटक के माध्यम से उठाई गई है। उसके बाद है प्रेम भावना का विस्तार। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है, लेकिन दोनों ही कहीं पर भी स्वार्थ में भाव से प्रेम नहीं करते। दोनों के प्रेम में स्वार्थ की भावना नहीं है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के लिए शांत रहती है, रामगुप्त की पत्नी बनना स्वीकार कर लेती है। और जो चंद्रगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी के प्रति स्वार्थ के भाव नहीं रखता, उसके प्रति किसी प्रकार के भाव नहीं है, बल्कि प्रेम का भाव। और वो प्रेम का भाव कैसा है, त्याग का भाव है। प्रेम में जो त्याग का भाव है वही भाव प्रेम को सर्वोपरि बनाता है या सर्वश्रेष्ठ बनाता है। तो चंद्रगुप्त के चरित्र में ये भावना प्रबल है, क्योंकि चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को बचाने के लिए, अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए शकराज के शिविर में स्वयं जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये प्रेम भावना का विस्तार ही कहा जा सकता है। उसके बाद है अत्याचार एवं दुष्ट प्रवृत्तियों की समाप्ति। देखिए जो चारों ओर समाज में, राज्य में, देश में जो अत्याचार और बुरी प्रवृत्तियाँ फैल रही थी उनकी समाप्ति की बात नाटक के माध्यम से की गई है। अत्याचार किस पर, अत्याचार देश पर, जनता पर, और जो अन्य जो लोग हैं, दरबार के लोग हैं या सामान्य जो जनता है उन पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनकी, और जो व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई बुरी प्रवृत्तियां हैं जैसे कि रामगुप्त और शिखर स्वामी के स्वभाव में क्या है, बुराइयां हैं, उनकी समाप्ति का संदेश इस नाटक के माध्यम से दिया गया है। उसके बाद है प्राचीन इतिहास की जानकारी। देखिए इस नाटक के माध्यम से प्राचीन इतिहास की जानकारी देने के लिए कि हमारा इतिहास कितना गौरवमयी था, गौरवशाली था, समुद्रगुप्त जिसने अपने राज्य का बहुत सीमाओं तक विस्तार किया, उसके पश्चात जो चंद्रगुप्त है वो किस प्रकार त्याग करता है, किस प्रकार अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करता है, और हमारे इतिहास में किस प्रकार ये घटनाएँ घटित हुई थी, इसकी जानकारी हमें इस नाटक के माध्यम से प्राप्त होती है। और क्यों ज़रूरी थी, अगर हम वर्तमान समय में या तत्कालीन समय में हम इतिहास के बारे में बताएंगे, हमारी कुल मर्यादा, कुल परंपराओं के बारे में बताएंगे तो लोगों को इससे जागरूक किया जा सकता है। उसके बाद है देशभक्ति की भावना जागृत करना।
देशभक्ति के भाव जागृत करना समय की मांग थी, क्योंकि 1933 ईस्वी का जो समय है वो कैसा समय है, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो देश की जनता को, युवा पीढ़ी को जागृत करना और देशभक्ति के भाव उनमें जगाना, ये इस लेखक का या इस नाटक का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। इन्होंने देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, जैसे सामंत कुमारों का चंद्रगुप्त का साथ देना है, इसके साथ साथ जो चंद्रगुप्त है वो अपने राष्ट्र और राज्य की रक्षा के लिए शकराज के साथ युद्ध करने के लिए वेश बदल कर वहाँ पहुँच जाता है। तो ये सब जो घटनाएँ हैं वो इसमें देशभक्ति की भावना को जागृत करने से संबंधित घटनाएं हैं। और इन घटनाओं के माध्यम से जो लेखक है वो जो नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, वो वर्तमान समय के युवाओं को जागृत करना चाहता है कि हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए उनसे प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। यानी देश के प्रति अगर भक्ति के भाव होंगे तो ही हम उसे संभाल सकते हैं, उसको, देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आज का हमारा प्रश्न था, जिसमें हमने जाना कि नाटक जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है, इसकी भूमिका कैसे बनानी है, उसके बाद इसका उद्देश्य आप लिखेंगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है ये अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है, और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये एक उद्देश्यपूर्ण नाट्य रचना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।